उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया भाइयों बहनों। और राजस्थान तो हमारी भक्ति और शक्ति की केंद्र भूमि है। मध्य काल में देश जब गुलामी के आगोश में था, राजस्थान लड़ता रहा। और भाइयों बहनों, मैं फिर आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। लोग कहते थे ना, कांग्रेस के लोगों को संदेह था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, इसीलिए कांग्रेस ने अपने शासन काल में जब केंद्र में सरकार थी तो क्या कहती थी, कहते थे राम और कृष्ण हुए ही नहीं। देखो, इससे बड़ी गाली हमें और क्या हो सकती है। हमारे आराध्य देवों के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा करके सत्य सनातन हिंदू धर्म को ही अपमानित किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमने तब भी कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमारे पूज्य संतों ने तब भी आह्वान किया था, रामलला हम आएंगे, एक गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। वो भी हटाया ना, और आज हम कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, और रामलला को विराजमान करने के लिए तिथि भी बताएंगे। और मैं तो पुष्कर राज तीर्थ में आया हूं आज 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कितने लोग हैं जो अयोध्या दर्शन करने की इच्छा रखते हैं? आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने सुरेश सिंह रावत जी को 2 बार विधायक बनाया है, 3री बार भी भेजिए विधानसभा में, जयपुर भेजे, भेजेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, सुरेश सिंह रावत जी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि 22 जनवरी के बाद तीर्थराज पुष्कर से भी श्रद्धालुओं को लेकर के अयोध्या धाम में पधारे। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? भारी मोहम्मद से राम राज्य लाने की तैयारी है ना? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं। तो भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, किसी सुरेश सिंह रावत जी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।